No person, no place, and no thing has any power over us, for we are the only thinkers in our mind. When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives. Peace comes from being able to contribute the best that we have and all that we are toward creating a world that supports everyone, but it is also securing the space for others to contribute the best that they have and all that they are. None of us can rest, be happy, be at home, be at peace with ourselves until we end hatred and divisions. जिंदगी में शांति से जीने के बस दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उनको जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। आज साल का पहला दिन दोस्तों, आप सबके साथ एक बहुत पीसफुल जर्नी के साथ ये दिन की शुरुआत में कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जो मेरे चैनल में पुराने हैं, मेरी सबके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। 2020 तो हमने जैसे तैसे बहुत ही मतलब सबको ही पता है, अलग से बोलने वाली कोई बात नहीं है इसमें, पर होपफुली इस होप के साथ कि ये नया साल हमारे लिए अच्छा हो। सारी जो जो सिचुएशन बनी हुई है दुनिया में, होपफुली सब ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। और आज का दिन एक बहुत अच्छे नोट पर मैंने स्टार्ट किया है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही हूँ मेडिटेशन करने का, पर मेरा ना मन बहुत ज़्यादा चंचल है। मैं चुपचाप एक जगह बैठ नहीं सकती हूँ आंखें बंद करके, लेकिन मतलब काफ़ी मेहनत से आज 5 मिनट मैंने ट्राई किया। होपफुली ये 5 मिनट से धीरे धीरे 15 मिनट से 30 मिनट का सफ़र मैं तय कर पाऊँ। आप भी मेरे लिए विश करिएगा कि मैंने जो ये नया जर्नी स्टार्ट किया है इस पर मैं सक्सेस हो सकूँ। और बताइए आज का क्या प्लान है आप सभी का। जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं आपको मेरे यूजुअल प्लेस में ही मिलूंगी, किचन में। सुबह के 9 बज चुके हैं, सारा ऑलमोस्ट 50% काम मैंने घर का ख़त्म कर लिया है। अभी है ब्रेकफास्ट बनाने की बारी, और नए साल में आज बनेगा गर्मा गर्म आलू पराठा, और उसके साथ पता नहीं क्या किसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ, अभी तक कुछ प्लान नहीं है। तो फिलहाल मैं पराठे की तैयारी करती हूँ। आज जो आलू का पराठा मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। नॉर्मली आलू के पराठे में हम ये मटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें मटर, जो कि अभी सीज़न में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको बॉयल करके डाला है। उसमें नमक, मिर्ची का पाउडर, धनिया और अचार, खट्टा वाला अचार, और सरसों का तेल डाल करके इसको अच्छे से मैश करना है। मतलब ध्यान रखना है कि इसमें जो मटर है वो बॉयल्ड है, तो उनको अच्छे से मैश करना है। अगर दाना रहेगा या सख्त रहेगा तो फिर बेलते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही इजी है ऐसे। इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा लगा करके इसके अंदर स्टफिंग भर के रेडी करना है। फिर इसको जैसे नॉर्मली हम बेल करके नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो खाने में लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। आप ये मसाले में कुछ भी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। चाहो तो आप हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकते हो, तो मैंने सुबह सुबह ये सब नहीं डाला। और दोस्तों, मेरे पराठों के शेप पर मत जाइए। मैं रोटियां गोल गोल बेल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं जब भी स्टफिंग वाला कोई पराठा मैं बेलने जाती हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरे से फटता है ही, और इसका शेप भी मैं गोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको मैं रिफाइन ऑयल से ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो मक्खन या घी के साथ भी फ्राई कर सकते हो, किसी में भी कर लो, पर खाने में टेस्ट बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। Subscribers of Ranjana's Castle, a very happy new year to all of you. And that सुबह सुबह देखिए मम्मी ने ये बनाया है पराठा, आलू का पराठा और अचार। आपको खा के बताती हूँ कैसा हुआ। आप लोगों का क्या प्लानिंग है आज का? हमारा तो आज कुछ भी प्लानिंग नहीं है शायद। मेरा तो स्टडीज भी है बहुत, इसीलिए। सुबह सुबह एक साथ सभी को डाइनिंग टेबल पर या खाने की जगह पे बुलाना बहुत मुश्किल है। सबको बुला रही हूँ कब से कि आके खा ले गरम गरम। एक आता है तो दूसरा नहीं आता है, दूसरा आता है तो तीसरा नहीं आता है। इसी वजह से ना काम में भी बहुत लेट होता है। अगर सारे एक साथ बैठ करके खाना खत्म कर ले, जब तक सबका खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ का ये वाइंड अप नहीं कर सकते हैं। तो बस आपके प्लानिंग में अगर होगा कि एक घंटा ब्रेकफास्ट का टाइम है बनाने में और खाने में, तो बाकी घर वालों की वजह से ना लेट होना ही है। सबसे ज्यादा लेट होता है मेरे हस्बैंड की वजह से। उनको तो 50 बार बुलाना पड़ता है। 50 बार बुलाने के बाद एक बार आते हैं, फिर कभी कभी कहते हैं मुझे खाना ही नहीं है। छोटू को भी दे दिया है मैंने, ये घूम घूम के खा रहा है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन फॉर रंजना कैसल। जाओ 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 जल्दी से खाना खा लो, ये खाना बहुत बढ़िया है। अच्छा जाओ, दो कुछ जाओ खा लो। और फ्रूट्स भी रखा है, वो भी खाना है। सर्दियों में सुबह सुबह गरम गरम पराठे का मजा ही अलग है, लेकिन मजा जितना अच्छा है और जो वेट पुट ऑन हो रहा है, होने दो। इस वीक में मैं पूरा बंक मार रही हूँ जिम, मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं एकदम नेक्स्ट वीक से अगेन स्टार्ट करूंगी, एकदम उस वक्त मैं फिर से डाइट पे आ जाऊंगी। अभी फिलहाल ये छोटा वाला आके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इसको हमेशा एक्साइटमेंट रहता ही है कि मम्मी कुछ बोल रही है, मुझे भी आके कुछ बोलना ही है पीछे से। एनी वेज क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं नेक्स्ट वीक से जिम जाऊंगी और फिर मैं अपने एकदम अच्छे वाले रूटीन में वापस आ जाऊंगी, डाइट वाइट स्टार्ट करूंगी। पर अभी ये 2-3 दिन मैं अच्छे से खाने वाली हूँ। और इस वक्त तो ये तो है ही पार्टी वाला वीक। और आज आपको जो मैंने मेरे भतीजे से मिलाया था, तो आज मेरी देवरानी और अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही है। तो देखती हूँ, अगर आयशा इज़ नॉट वेरी मच ऑफ कैमरा फ्रेंडली तो शायद वो कैमरे के सामने आना पसंद ना करे। क्या होता है देखते हैं। जब हम छोटे थे हर साल न्यू ईयर में कितने सारे रेजोल्यूशंस बनाया करते थे, ये करना है वो करना है, ये टारगेट पूरा करना है वो टारगेट पूरा करना है। पर अल्टीमेटली जैसे जैसे साल गुजरता जाता था, कोई भी एक भी रेजोल्यूशन मेरा पूरा नहीं होता था। मतलब स्टार्ट बड़े ज़ोर शोर से हुआ करता था, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता था, कभी भी पूरा नहीं होता था। उसके बाद जब धीरे धीरे ये समझ आ गया कि रेजोल्यूशन सिर्फ बनाने से नहीं होता, उन्हें बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली उसको कम्प्लीट भी करना होता है, तो मैंने रेजोल्यूशंस बनाना ही छोड़ दिया है। अब लाइफ को मैं वैसे ही लेती हूँ हर दिन की तरह, मतलब जिंदगी हर दिन के बेसिस में मैं जीती हूँ। सुबह उठ करके पूरे दिन का प्लान करती हूँ, नेक्स्ट दिन का मेरा कोई प्लान नहीं होता है।
बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम या बहुत बड़ा कुछ इवेंट ना हो तो उसकी मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है, प्लान करने से वो प्लान मेरा फेल होता ही है। तो इस साल भी मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है, जैसे जैसे दिन जाता जाएगा वैसे वैसे ही चलता जाएगा। बस भगवान से यही दुआ है कि 2020 के जैसे 2021 ना हो, अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। सो फ्रेंड्स, नहा धो करके सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश करके दिन का मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। अभी फ्री नहीं हुई हूँ, अभी मुझे रात के खाने का प्रिपरेशन करना है, और आज लंच में एकदम सिंपल दाल चावल और एक मिक्स्ड सब्जी जैसा बना करके छोड़ दिया, क्योंकि आज मैंने जैसे पहले ही बताया कि आज मेरी देवरानी आने वाली है उनके बच्चों के साथ। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारे क्विल्ट तकिया वगैरह सब निकले, मैंने धूप में डाल रखा है, क्योंकि ये सब पैक होकर के अंदर रहता है, तो अचानक से एकदम से इसको निकाल करके यूज़ नहीं कर सकते, इसको धूप में डाल करके फिर इसको अच्छे से कवर वगैरह चढ़ा कर रात को यूज़ करने जैसा ये हो जाएगा। और आज रात को आज 1st January है, तो जैसे कि हम कहीं बाहर का आज कोई प्रोग्राम बना ही नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं बना। मैंने छोटू को भेज दिया उसके पापा के साथ, वो बहुत ज़िद कर रहा था, तो वो गया है घूमने के लिए, कहीं पार्क वार्क से उसको घुमा करके लाएंगे। मिष्टी यानी परी का क्लासेस चल रहा है, उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसकी वजह से और भी सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, पहले बच्चों की स्टडीज़, उसके बाद बाकी का सारा जो भी एंटरटेनमेंट होता है लाइफ में वो आता है। तो बच्चों की वजह से बड़ों हमको पेरेंट्स को तो हमेशा सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो एनीवेज, तो मैंने सोचा कि घर में ही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए, तो क्रिसमस में भी हमने घर में ही सेलिब्रेट किया था, तो न्यू ईयर भी हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे आज। तो मैंने सोचा आज रात को कुछ स्पेशल सा डिनर बनाया जाए, बहुत सारे बच्चे, मतलब उसके दो, मेरे दो और बाकी सारे बड़े मेंबर्स। तो मैंने आज रात के डिनर के लिए फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस और चिकन, उसके साथ मैंने मीठे में सोचा है कि मैं केक बना दूँ, न्यू ईयर है, केक तो काटना ही चाहिए, तो मैं चॉकलेट केक बनाऊँगी और उसके साथ खीर बनाऊँगी। पर अभी फ़िलहाल बहुत देर से मैं काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, अभी मेरा कॉफ़ी पीने का टाइम है, इस टाइम पे मुझे और कुछ काम नहीं, जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी मेरा मुझे और कोई काम में मेरा मन नहीं लगेगा। तो कटिंग चॉपिंग ऑलमोस्ट मैंने वो दीदी ने करके रखा हुआ है, अभी बस सिर्फ स्टार्ट करना है, तो कॉफ़ी पी लेती हूँ उसके बाद फटाफट स्टार्ट करूँगी। कोई रेसिपी नहीं दिखाऊँगी, अगर अच्छा लगे, अगर आप लोगों को कोई चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल का नाम भी रंजना कैसल ही है, आप, मैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ।
इतने ठंड में भी खाना बनाते बनाते मुझे बहुत अचानक से गर्मी लगने लग गई, तो मैंने मेरा स्वेटर कोट सब उतार दिया और मुझे देख करके मेरे घर वाले सब बोल रहे हैं कि मम्मी आप पागल हो गए हो शायद से, आपको ठंड लग जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, एक तो मैं छत पे हूँ और ऊपर से गैस के सामने, तो मुझे गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है मेरे साथ। रात को बैठकर के गप्पे मारने का प्लान है मेरा मेरे देवरानी के साथ। पूरे एक साल बाद हम मिल रहे हैं। वैसे तो कोरोना से पहले मैं कभी वहां जाया करती मेरे ससुराल में, फिर विंटर्स में वो आती है, उसका मायका है यहाँ पर कोलकाता में, तो तब हम लोग का साल में 2-3 बार हो ही जाता था मुलाकात। लेकिन इस साल कोरोना के चलते तो नमस्कार है भैया, तो वो आई है इस बार। अभी हम लोग मतलब यहाँ पर आएगी वो, आज रहेगी भी शायद 3-4 दिन तक, देखते हैं उसका कितने दिनों का प्लान है। तो मैंने सोचा कि सारा काम मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेती हूँ। अभी शाम के 4:30-5 बजे हैं, तो मेरा टारगेट 6 बजे तक पूरा ख़त्म करने का है। मैंने सारा फ्राइड राइस का सारा वेजीज फ्राई कर लिया है, सिर्फ उसको चावल बनाना है और उसको मिक्स करना है। और एक वेज आइटम भी मैंने बनाया है जो बाद में इंक्लूड हुआ है, वो है मशरूम ब्रोकली मसाला, क्योंकि मेरे चीनू को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है और अचानक से मिल गया मार्केट में तो ले लिया, तो वो लास्ट मोमेंट में, लेकिन उसको मैंने पहले ही कुक कर लिया है। अभी चिकन मसाला हो रहा है, ये भी हो जाएगा। खीर बन चुका है पहले ही, और बाकी है केक, उसका मुझे अभी लगता नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि 6-6:30 बजे तक वो लोग भी आ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि गेस्ट घर में आ जाए उसके बाद भी मैं किचन में ही लगी रहूँ। तो देखते हैं, फिर बाहर से मंगवा लेंगे, शॉप से ले आएंगे केक जाकर के। सो फाइनली ऑल द कुकिंग्स आर डन, सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अभी सिर्फ ये फ्राइड राइस रेडी है, यहाँ पर ये चिकन मसाला भी रेडी हो चुका है, ये ब्रोकली मशरूम मसाला, और इसके साथ खाने के बाद मीठा चाहिए, ज़रूरी है, तो ये है खीर, ठंडी ठंडी खीर ठंडी में। कुकिंग एंड ऑल मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, और अभी सारा कुकिंग करते करते 6:30 बजे नहीं है, 6:15 हुआ है, तो मेरे टारगेट से 15 मिनट लेट हुआ है, तो बट ठीक है, मैंने 6 बजे का टारगेट रखा था कि 6 बजे तक मेरा कुकिंग ख़त्म हो जाएगा, बट इट्स ओके। अभी मैं फ्रेश होने जाऊंगी और फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, चाय पीऊंगी, और अभी तक मैं जिनका वेट कर रही हूँ वो आए नहीं है, तो उनके आते आते मैं तब तक फ्रेश भी हो जाऊंगी और थोड़ी देर के लिए आराम से चाय वाय भी पी सकती हूँ मैं। तो आपसे मैं मिलूंगी दूसरे एक किसी ब्लॉग में, आप तब तक के लिए मुझे ये बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और ये एक नॉर्मल सिंपल सा ब्लॉग था, इसमें खास कुछ था नहीं, बस वही एक हाउसवाइफ की या एक होममेकर की हर दिन की जो जर्नी होती है वो क्या होती है, मतलब मैं एज अ होममेकर मेरा दिन कैसा रहता है नॉर्मली, मेरा दिन ऐसा ही रहता है नॉर्मली, बस आज थोड़ा सा डिफरेंट था, बट नॉर्मली यही मेरे दिन का रूटीन यही रहता है। तो आपसे मैं मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विच इज़ रंजना कैसल। टिल देन बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी का ये साल बहुत 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 ज़्यादा खास हो, बहुत मुबारक हो और बहुत पीसफुल हो। थैंक यू, गुड नाइट।